हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ज्ञान बीजीजे। आज हम 8.2 एक्सरसाइज करेंगे और हमने जो पहले 8.1 एक्सरसाइज करी थी उसमें हमने रेशियोज फाइंड आउट करे थे। इसमें हम फ्रैक्शन टू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज है, क्योंकि हम टॉपिक क्या है हमारा, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो इसमें अब फ्रैक्शन टू परसेंटेज करेंगे। तो कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर, ये फ्रैक्शनल नंबर है और इसको हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो परसेंटेज हमें हमेशा 100 रहता है, 100 के फॉर्म में रहता है। तो बस सिंपल सा है हमारा, 1/8 इंटू 100%। इसको आप सॉल्व करें, ये 2 से कट हो जाएगा, ये भी अगेन 2 25, और 25/2% है। अब ये फर्दर कट नहीं हो सकता है, पॉइंट्स में आंसर आएगा। तो हम लिख देते हैं 12.5%। कैसे होगा ये, 25 से हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1s are 2, माइनस ये 5, 2 2s are 4, माइनस 1। अब यहाँ पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल 0 आ जाएगा, और 2 5s are 10। तो इस हिसाब से हमारा आया 12.5%। तो 1/8 का हम ये फ्रैक्शनल पार्ट है, इसको हम परसेंटेज में लिखेंगे तो 12.5% लिखेंगे। अब हम और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 5/4। 5/4 को परसेंट में करना है। तो हमने पहले वाले में क्या करा था, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो इसमें भी सेम यही करते हैं, 5/4 इंटू 100%। 4 से, या तो आप 4 से डायरेक्टली कट कर सकते हैं तो करिए, नहीं हो रहा है तो 2 से, फिर 50, फिर अगेन 2 से 25, एंड 25 5s are 125%। तो 125% इसका आंसर हुआ। इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आप बस कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें। सी पार्ट लेते हैं, 3/40। स्टेप में पहले 3/40 लिखना है, फिर 3/40 मल्टीप्लाई बाय 100% लिखना है, फिर इसको कट करना है। कट करने का मतलब आप उसको एक ही नंबर से ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। जैसे मैंने 40 को डिवाइड करा है 2 से, तो यहाँ आंसर आया 20। अब 2 से ही मैं 100 को डिवाइड करूँगी तो यहाँ आएगा 50। पहले 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट क्यों हो गया, क्योंकि हमने 10 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया है। तो बस अब 5/2 है, और ऊपर न्यूमरेटर में 3 × 5 है और डिनोमिनेटर में 2 है, तो 5 3s are 15, 15/2। अब वही जैसे हमने ये करा था उसी तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो कैसे होगा, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 2 7s are 14, 7 आ जाएगा, 1 रिमेनिंग हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, 0 आ जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो 7.5। तो इसका आंसर क्या हो गया, 7.5%। तो हमने ए बी सी पार्ट कर लिया है, डी भी हम यहीं कर लेते हैं। ये है 2/7। 2/7 को हमें फ्रैक्शन में करना है, 2/7 फ्रैक्शन में है, उसे हमें कन्वर्ट करना है परसेंट से। तो 2/7 × 100%। तो अब ये डिवाइड नहीं हो सकता है, तो 200/7%, फिर आपका ये आंसर आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा ये आंसर, या आप उसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 28/4/7%। और अगर हम 200 से डिवाइड करके भी इसे लिख सकते हैं, जैसा पूछा है। अगर नहीं पूछा है तो ये भी राइट होगा, और अगर आप पॉइंट में लिखेंगे तो वो भी राइट होगा। तो इसलिए आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। बस परसेंट में पूछा है तो आपको परसेंट का साइन लगाना जरूरी है, और 100% से उसको मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर। क्वेश्चन 3, एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर्स इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड द परसेंट व्हिच इज कलर्ड। अब आपको पहले उन्होंने फ्रैक्शन दिया था, फिर डेसिमल फ्रैक्शन दिया था, अब उन्होंने एक फिगर ड्रॉ कर दिया है, यू हैव टू फाइंड द पार्ट ऑफ इट। मतलब फ्रैक्शन भी आपको निकालना है, फिर उसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो जो लास्ट पार्ट है वो तो हम कई बार कर चुके, 2 equations में करें। अब थर्ड क्वेश्चन में पहले हम पार्ट, जो डेसिमल फ्रैक्शन, सॉरी द फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे,
और उसके बाद हम उसको परसेंटेज में करेंगे। अगर आपको परफेक्ट डायग्राम चाहिए तो आप अपनी बुक से देख सकते हैं। तो इसके लिए हम फर्स्ट फिगर ले रहे हैं। फर्स्ट फिगर में क्या दिया हुआ है कि पूरा जो एक पार्ट एक सर्कल है, उस सर्कल का एक पार्ट मतलब 1/4 पार्ट जो है आपका कलर्ड है या शेडेड है। तो हम लिख लेंगे कि कलर्ड पार्ट इज 1/4, क्योंकि हमें विजिबल है कि ये 1/4 है और इसका जो 1/4 पार्ट है वो हमने कलर कर रखा है। बस इसे हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज ऑफ कलर्ड पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, हमने पहले कई बार क्वेश्चन करा है, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100% और 4 से हम डायरेक्टली डिवाइड करेंगे 25, यहाँ आ जाएगा 25%। तो मतलब ये जो चीज है ये 25% है, इस सर्कल का 25% कलर्ड है। अब ये सेकेंड फिगर ले लेते हैं, इसमें कितने पार्ट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट्स हैं और 3 कलर्ड है तो 3/5 हो जाएगा। इसमें कितने पार्ट्स हैं हम इसको नेक्स्ट में लेते हैं। सेकेंड पार्ट हमारा कलर्ड पार्ट, आप कलर्ड पार्ट पूरा लिख लें, 3/5 है, फिर हमें परसेंट में इसे कन्वर्ट करना है। मैंने जो इसमें ये स्टेप्स बताया आप इसको देख के लिख लें, 3/5 × 100%। अगेन इसको डायरेक्टली कट कर देंगे 5 से, 5 × 20, 5 × 3 = 6, that is 60%। तो ये फिगर में 60% पार्ट आपका, थर्ड पार्ट में टोटल आपका कितने हैं, 8 कैसे हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और टोटल हम हमेशा डिनोमिनेटर में लिखते हैं और जितने कलर्ड हैं या जो रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से हम न्यूमरेटर में लिखते हैं। यहाँ पर कितने हो गए, 3, 1, 2 और ये 3। तो 3 पार्ट कलर्ड है, कितने में से, टोटल में से 8। तो ये न्यूमरेटर में हमने जो हमें रिक्वायर्ड है वो लिखा है और ये डिनोमिनेटर में टोटल लिखा है, तो 3/8 हो गया। एंड 3/8 को ये कलर्ड पार्ट है, कलर्ड पार्ट है और इसको परसेंट में करेंगे, 3/8 मल्टीप्लाई बाय 100%। इसे हम कट करेंगे, 2 से ही कट करते हैं, इजी ज़्यादा रहता है, 4 और ये हो जाएगा 50। अगेन 2 से कट करेंगे, ये हो जाएगा 25 एंड 25 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 75 अपॉन 2। आप चाहें तो इसे ऐसे ही रखें या परसेंट डेसिमल में चाहें तो भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हो जाएगा 37.5%। अब हम बाकी के क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में लेंगे। तो आप जब तक इनको प्रैक्टिस करें और कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानवी जी।